बचपन में इससे भूखा इंसान कोई नहीं था। क्या कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे व्लॉग में मुझे तंग कर रही है लड़की। इरिटेटिंग फेलो है ये। डर्टी फेलो, वो इरिटेटिंग फेलो। यहाँ पे मुक्ति बच्चों को बिगाड़ते हुई। हेलो एजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है? होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज जी मैं हूँ बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि हम जा रहे हैं वापस। इस रूम से बस चेकआउट जो है वो कर ही रहे हैं। बैग हमारे लेने के लिए ये आ चुके हुए हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी जो बीवी हैं वो थोड़े से ना खुश है। मैंगोज बाय बाय अलविदा। खुश है ना? घर का खाना खाने के लिए ना अभी थोड़ा सा टाइम है। थोड़ा नहीं, बहुत टाइम है। हाँ मतलब टाइम है। अभी फिलहाल करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। कोपेंहेगन में अपनी आखिरी मील होने वाली है ये। गाइस ये देखो, खाने में वैरायटी जो है ना वो है बेशुमार, पर इसमें से कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। घर के खाने की ना तलब मच रही है मेरी ना, सच्ची यहाँ के खाने से बस हो चुकी हुई है। तो मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफी पी रहा हूँ, और मुझे लगता है मुक्ति की भी बस हो चुकी है। ये फ्रूट ही खा रही है। मतलब मुक्ति की काफी दिन पहले से बस हो गई थी। पर यार इस व्यू को आज होने वाला हमारा बाय बाय। तो अभी ना हम जाने लगे हैं कोसामुई, और जाएंगे वाया बोट। जिस बोट में हम आए थे कोपेंहेगन, उसी बोट पे अब हम जाएंगे कोसामुई। और टिकट बोट की यहाँ पे होटल वालों ने हमें करके दे दी हुई है, और होटल की गाड़ी अभी हमें छोड़ने जाएगी बोट स्टेशन पे। और यहाँ पे गाड़ी जो है हमारे लिए रेडी खड़ी हुई है। बोट स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अब देखना ये कि हमें उस दिन की तरह लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, या फिर इस बार हमारी बारी जल्दी आ जाएगी। मुझे लगता है बारी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि लोग खड़े उधर। उस दिन क्या सीन हुआ था, उस दिन जब हम बोट पे आ रहे थे वो उस दिन की आखिरी बोट थी। हाँ। तो सारे उस टाइम पे अपना सामान भेज रहे होते हैं। हाँ। और लोग भी सोचते हैं कि लास्ट बोट है, चलो चलो चलो। तो जी अभी तक तो फिलहाल यहाँ पे रश है बहुत ज्यादा कम। तो मेरे ख्याल से जो अनुमान मैंने लगाया था कि उस दिन रश क्यों था, वो सही था। और शायद से प्रेफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि हॉलीडेज पे आए, सारे सब बोलेंगे आराम से उठेंगे। ट्रू। और शायद से हमने उस बोट में जाना है, या फिर कोई अलग बोट है जो अभी आएगी। शिप अड्डा हम पहुंच चुके हैं। अब हमने जाना है हवाई अड्डा। अच्छा, शिप अड्डा। अरे यार, हवाई अड्डा हो सकता है, शिप अड्डा भी हो ही सकता है ना। ये वाली गाड़ी जा रही है एयरपोर्ट, तो हमने सोचा इसी गाड़ी में चलते हैं। मोटू रखना बैग। पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टास्क होगा यहाँ से टैक्सी ढूंढना एयरपोर्ट के लिए, परंतु यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं टैक्सी लेके कि आ जाओ हमारी टैक्सी में बैठ जाओ। यहाँ पे जैसे भाड़े वाला सिस्टम होता है पर पैसेंजर, वो वाला सिस्टम है जैसे 150 बार पर पर्सन। अभी ना हम पहुंच चुके हैं कोसामुई एयरपोर्ट, और कुछ ही देर में गगनहुनी भी यहां पे पहुंच जाएंगे। आज हमारी सबकी फ्लाइट इकट्ठे ही है। और पिछली बार ना हम ये कोसामुई एयरपोर्ट से डिपार्चर से ही निकल गए थे, एयरपोर्ट अच्छे से देख नहीं पाए थे। अब एक बार अच्छे से तसल्ली से देखते कि इस एयरपोर्ट पे कोई बात है या नहीं है। ये जो एयरपोर्ट है ना दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अच्छा है, पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, मतलब जैसे आप सोचते हो ना कि एयरपोर्ट पे आके थोड़ी ठंडक होगी, आप रिलैक्स करोगे, हम यहाँ पे बहुत एडवांस में आ गए हैं, बहुत बुरी हालत होने वाली है गर्मी में। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, इस एयरपोर्ट पे जो हम फ्लाइट वगैरह की टिकट करवाते हैं ना, टिकटें होती हैं महंगी। हमारी जो दिल्ली टू बैंकॉक की फ्लाइट की प्राइस थी ना, ऑलमोस्ट उसके आसपास की फ्लाइट की टिकट कॉस्ट करी थी हमें बैंकॉक टू कोसामुई की। तो आप लगा लो हिसाब, उस हिसाब से महंगा है ये एयरपोर्ट। फैसिलिटीज एसी वाली तो थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इधर। और अभी आप चेक करो इस एयरपोर्ट पे लाइन में रश कितना ज्यादा है, गर्मी और ज्यादा फील हो रही है इस वजह से। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी कि मुक्ति वहाँ पे गई है पानी भरने, और आई थिंक जैसे उसके एक्सप्रेशन है ना, ठंडा पानी भी नहीं है, मुझे पता लग गया, तेरे एक्सप्रेशन देख के पता लग गया। तो देखा जाए ना, इस एयरपोर्ट को ठंडक से है प्रॉब्लम। दिस एयरपोर्ट हैज गॉट नो चिल, वेरी गर्मी। यूजली बैग वगैरह जमा करवाने के बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर भेजा जाता है, ये सिस्टम ही अलग है यहाँ पे। बाहर भेज रहे हैं, अरे बाहर जो। अब हमको डिपार्चर गेट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। गाइस यहाँ की खूबसूरती देख के मुझे जो अंदर गर्मी लग रही थी वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, क्योंकि इतना ज्यादा सुंदर एरिया था, इतना सुंदर एरिया लग ही नहीं रहा एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं यार। नहीं लग रहा, सच्ची है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग मॉल टाइप लग रहा है, ओपन शॉपिंग मॉल। खाने की बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पे।
अभी हमारी फ्लाइट को ना 2-3 घंटे बचे हुए हैं। एयरपोर्ट हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया हुआ है और जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था उस वजह से भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो हम इस रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हुए हैं जहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ ये डोनर कबाब रोल। और अच्छी चीज इस रेस्टोरेंट की ये है एसी लगा हुआ है जिसकी वजह से इतना बढ़िया लग रहा है ना, रिलैक्सिंग लग रहा है, बाहर देखने में और भी मजा आ रहा है। तो कबाब रोल खाते वक्त मुझे ओंकार के चेहरे पे एक संतुष्टि वाली भावना दिखाई दे रही है, मैं ओंकार से पूछना चाहूंगी ये कैसा है। जब तुम्हें भावना नजर ही आ गई है अच्छा तो पता लगेगा ये अच्छा है, ये थाई स्टाइल तो नहीं है। नहीं अब तो ना मेरे साथ साथ आप लोग भी परेशान हो गए होंगे मुक्ति का ये मैंगो का दीवानापन देख के। मैंने देखा मैंगो जूस के नाम पे सिर्फ भी देता है बट ऐसे ओनली से स्वादी खा। बिना शर्माए भी डांस सकते हैं। ओए बस क्या हाल है, आज मैचिंग मैचिंग नहीं किया बच्चों के? बैटमैन अच्छा येलो येलो नहीं किया? अच्छा छुपा रोस्टम येलो। तो जी बहना के साथ मेल मिलाप हो चुका हुआ है और अब हम जा रहे हैं बैंकॉक। बैंकॉक में करेंगे आज के दिन मस्ती। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है वेटिंग एरिया और वहाँ पे ना फ्री में जूस ले सकते हो, सैंडविच ले सकते हो, तो प्रॉपर लॉन्च टाइप वाली फील है ये। और अगर इस लॉन्च में एसी हो जाता ना आया है, मैं कह रहा हूँ दुनिया का बेस्ट वेटिंग एरिया होता है। अभी 100% अच्छा लग रहा है, फिर 200% अच्छा लग रहा है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है बट है सुंदर बहुत है। और जी मेरी बहन मुझे बोल रही है कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है और पीछे मुड़ने के लिए मुझे कह दिया हुआ है, अब देखते हैं क्या गिफ्ट है। मुड़ जू हाँ हाथ आगे किया टर्बलोरॉन। ज़ेन ये ले मेरी तरफ से तुझे रिटर्न गिफ्ट। नहीं, नहीं, तेरे पास बचनी नहीं है तू खा ये ले। छोटे होते हैं इसके पास टॉबलेरॉन आ जाए, बच ही नहीं सकती टॉबलेरॉन, मतलब मिलेगी ही नहीं। बचपन की तरह आदे आदी नहीं करनी? नहीं, रज चुकी है, रज चुकी है। बहुत खा लेती हूँ मैं। बचपन में इससे भूखा इंसान कोई नहीं था। तो जी सूत्रों से हमें पता चला है कि इस एयरपोर्ट पे एयर कंडीशनर है और वहाँ पे हम जा रहे हैं। एयर कंडीशनर दरअसल इन्होंने लगाया हुआ बाथरूम में, पता नहीं क्यों, बाकी जगह भी लगा सकते थे। और हमारे जो जीजा जी हैं वो हैं हमारे सूत्र। ये बात पक्की है ना कि बाथरूम में एसी है? लगा के सिर्फ एसी की वजह से या प्रेशर ज्यादा था? चला चल मार के आते हैं। और जी इस एयरपोर्ट पे भी है थाई मसाज वाली फैसिलिटी। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग है ना नहीं वो मसाज के पैसे नहीं दे रहे, वो एसी के पैसे दे रहे हैं। सच में भाई साहब यहाँ पे टॉयलेट में जाके चिल हो चुका हुआ है, मजा आ गया। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। गर्मी टॉलरेट करनी औखी हो गई है मेरे लिए। तो इतनी देर से वेट कर रहे थे ना कि कब बोर्डिंग शुरू होगी, कब बोर्डिंग शुरू होगी, तो फाइनली जाके अब हम जा रहे हैं जहाज में चढ़ने। फाइनली जाके मजा आ गया। एरोप्लेन के अंदर एसी चल रहा है, ठंडा है, आया है नजारेदार, ऐसा लग रहा है सर्द गर्म हो जाएंगे बाहर। हाँ। गर्मी वहाँ पे पूरे एयरपोर्ट पे इतनी गर्मी, यहाँ पे एकदम से ठंड। अच्छा वैसे मतलब बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गर्म सर्द हो, क्योंकि गर्मी में सिर दर्द होने लग गया था। हाँ नहीं सिर तो अभी तक दुख रहा है, मैं तो लगा हूँ सोने। अब जहाज कब टेक ऑफ करेगा, कब लैंड करेगा मेरे को नहीं पता, मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट। धूप ने ना सूरज ने चूस लिया मेरे को। पहुंच चुके हैं हम बैंकॉक में और आज हमें यहीं पे रुकना है और गगन के साथ आज अपनी होने वाली है आखिरी रात, तो कुछ बढ़िया सा करते हैं। और जीजा जी का पिछली बारी वो नाना प्लाजा रह गया था, तो आज हम दोनों जा रहे हैं। मैं पहले गया हूं पर इस बारी रह गया था ना, हम जा रहे हैं दोनों। चलो। चल रहे चलो डन। परमिशन कौन है तू, बंदरों से परमिशन ले रही? ओ यार ये तो मेरी बहुत प्यारी मतलब बीवी है। विदाउट मी नॉट अलाउड। नहीं जी नहीं, जाओ जाओ ऐश करो, तुम भी क्या याद रखोगे, ऐश करो। थाईलैंड का हर एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका हुआ है कोह सामुई को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिक साफ सफाई वाले। तो जी बहना मेरे को ये बताइए आज का प्लान क्या है?
आज हम अभी जाएंगे होटल, उसके बाद हमने जाना है वो रूफटॉप रेस्टोरेंट, ठीक है, वो तो जाना ही जाना है, ठीक है, पर बीच में शॉपिंग का मन नहीं है, कुछ देख के यहाँ पे शेर है। तू प्लान कर क्या करना है, मेरा बैग आके मुझे बैग उठाना है अपना, बैग मैं उठा लूंगी, तुम बता यहाँ पे शेर है। शेर मैं हूँ, आई एम द शेर, ओंकार सिंह द लायन, हाथी बेस्टी करती है मेरी सगी बहन। ले आजी, पारी है, पारी है, पारी है, पारी है। चकला, चकला, चकला। ये है जी अपने आज की सवारी, गुलाबी इनोवा। थैंक यू मुक्ति को ना, इस इनोवा का कलर लगा बहुत ज्यादा बढ़िया, और इनोवा को मैं टैग देना चाहूंगा कामयाब गाड़ी का, क्योंकि हमारा सामान काफी ज्यादा था, कम्फर्टेबली इस गाड़ी में आ चुका हुआ है, गुड गाड़ी। पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में। अभी एक गगन जो है लिफ्ट के अंदर फंस गई थी। भाई जाओ तुम, नहीं कोई नहीं, तुम जाओ। तो जो अपना होटल है ना, वो हमने एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा पास लिया है, और यहाँ पे आके हमें पता लगा कि वहाँ से शटल चलती थी एयरपोर्ट से, जो हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले आती, पर हम पैसे दे के आए हैं। और दूसरी चीज, सुबह शटल चलेगी जो हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसमें क्या कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ब्लॉग में मुझे तंग कर रही है लड़की है। ये शक्ल देखो इसकी, ये इरिटेटिंग फेलो है, ये डर्टी फेलो, वो इरिटेटिंग फेलो, ओए शरारती फेलो। येलो, येलो। तो जी ये कमरा है हमारा, वो कमरा है हमारी बहना का। अब आपको देते हैं हम रूम टूर। मुक्ति, यस, हम जुदा हो गए। ओ यार, ये गलत बात है, इनको बोलो बेड जुड़वाओ, तेरा बेड अलग है, मेरा बेड अलग है, दिस इज नॉट गुड। वो कह रहे हैं इस बेचारे को थोड़ी आजादी दो, थोड़ा स्पेस दे दो। अभी ना गगन स्पेशली आई है हमारे कमरे में, कह दे कि हमारे रूम का टूर दो। पता नहीं क्या खास है, ऐसे टापती फिर रही है। ओ तेरी दी, मैं लगती थी फिर रहा, बड़े लोग बड़े कमरे हैं, हमारे भी बेड अलग अलग है, दूसरा बेडरूम भी है। अच्छा, हमारे पास एक और बेडरूम है। इधर यार, एक इधर ही हम पड़ जाते हैं। ओए ये सही है, हम शिफ्ट हो जाते हैं इधर। उनको बोलते हैं एक रूम के पैसे वापस कर दो, यहाँ पे हम सो जाएंगे। ये देखो पूरी फैमिली अंदर चली जाएगी, हम इधर सो जाएंगे। यार इनका रूम बड़ा सही है, सो सकते हैं यार। पैसे तुमने भी उतने दिए जितने हमने दिए हैं, हमें उन्होंने फ्री अपग्रेड किया फैमिली रूम। फुकरी देखो कैसे मार रही है ये, जाए जिंदगी में कुछ देखा ही दिया इसने, इतनी खुश। तो ना बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे प्लान्स बनते रहते हैं, सोचा तो हमने ये था कि होटल में आएंगे, साथ ही साथ निकल जाएंगे किसी रेस्टोरेंट के लिए, पर थके सारे इतने हुए कि आते सार रूम में हो चुके हैं ढेर। और अभी मैं और जीजा जी जा रहे हैं 7-Eleven लेने कुछ फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि भूख लगी है, थोड़ी प्री स्नैकिंग सी हो जाए। मुक्ति, मुक्ति जो है ना वो है आम औरत, उसे आम ही पसंद है, और यहाँ पे मुक्ति बच्चों को बिगाड़ते हुए छिलका उतार के खिलाते हुए। So guys, हम आ चुके हैं डिनर करने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह पे, जहाँ पे कि हम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। दरअसल जहाँ पे हम डिनर करने आए हैं ना, वहाँ पे चल रहा है जैज म्यूजिक, और जैज हमारे सिर के ऊपर से निकल रहा है। सो गाइस, खाना पीना जो है वो हो चुका है डन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्टी था पिज्जा, और अब गगन जी के साथ हम कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड, क्योंकि अब हमने कर देना एक दूसरे को टाटा बाय बाय। कुछ घंटे वगैरह कुछ नहीं है, 5-10 मिनट यहाँ पे रूम में रह, दफा हो जा, फिर उसके बाद फिर तेरी फ्लाइट है, बाय बाय। ज्यादा ही मुझे मुझे लग भी रहा है कि मैं या तो यहीं पे सो जाऊंगी या मैं रूम में चली जाऊंगी। हाँ। तो सीन है कुछ इस प्रकार का कि कल हम दोनों जा रहे हैं वापस, ये जा रही है टूवर्ड्स कनाडा, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इंडिया। इनकी फ्लाइट सुबह जल्दी है, हमारी है दोपहर को, और इंटरेस्टिंग चीज है हम पहुंचेंगे अपने अपने घर पे सेम टाइम पे। हाँ, इनको एक्चुअली जहाँ पे जाना है उधर ही इनकी फ्लाइट लैंड करेंगी, हम
हमने जाना है दिल्ली, दिल्ली से बाद चंडीगढ़। तो जब तक इन्होंने अपने घर पहुंचना है तब तक हमने चंडीगढ़ पहुंचना है, तो इक्वल इक्वल टाइमिंग है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ना कल हमने बहुत ही ज्यादा प्लान्स बनाए तो थे कि हम इस रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, ऐश करेंगे, परंतु कुछ नहीं हुआ क्योंकि थकावट बहुत ही ज्यादा थी। होटल में खाना खाने के बाद सो गए और मैं अब जाके उठाऊ, गगन जो है वो जा चुकी हुई है और जाने से पहले हमारे दरवाजे में वो एक नोट लिख के गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, मिल भी नहीं पाए बेचारे बच्चों को हम जाते वक्त। तो गाइस गगन के साथ जो व्लॉग्स थे उनकी होती अब समाप्ति। एक बारी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग्स जिसमें गगन थी, बच्चे थे, जीजा जी थे। एंड आज का व्लॉग इसी के साथ हम करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगे आपको व्लॉग। तू क्या, तू किसके लिए नोट छोड़ रही हो? नहीं बस ऐसे ही पेन और ये पड़ा था नोट, मेरा से मन सा कर गया पेंसिल से लिखने का। अच्छा।